हे गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे अपने घर में. स्टे इन योर होम ड्यूरिंग दिस कोरोना कंडीशन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. वंस अगेन आई एम डॉक्टर हनुमान सिंह यादव इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. And now we have to proceed further about biomolecule. In previous class, we have discussed about introduction part of carbohydrate, and now we will see its classification. Okay? Its classification is very easy. Just try to understand. In previous class, we have seen about sugar and non-sugar. Likewise, one more type of classification of carbohydrate, now I'm telling you that it is reducing sugar and non-reducing sugar. Okay, इस यहाँ आप लोग जो देख रहे हैं वेब पेज पर, अभी यहाँ mention नहीं है, but listen carefully. एक और classification होता है based on what? Reduction and non-reduction. यानी कि जो carbohydrate reduction कर सकते हैं, those we are called as reducing sugar. अब आप लोग जानते हैं कि रिडक्शन क्या होता है. व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन के लिए पांच डेफिनेशन होती है. देयर आर मेनली फाइव डेफिनेशंस ऑफ रिडक्शन. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू इन फ्रंट ऑफ ऑल. द फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सेकेंड इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. थर्ड, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. फोर्थ वन इज वॉट? Loss of electronegative atom. And the fifth one is decreasing value of oxidation number. यदि किसी reaction में इनमें से कोई भी एक step हो रहा है, it means any of this processes, if it is going on in any of the reaction, then we can say that reaction is nothing but reduction reaction. ओके, अब अगर कोई कार्बोहाइड्रेट इन पांचों में से, अगर इनमें से कोई भी एक फिनोमेना प्रूव करता है, चाहे वो हाइड्रोजन देकर किसी का रिडक्शन करे, इलेक्ट्रॉन देकर किसी का रिडक्शन करे, ठीक है, तो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, नथिंग बट रिडक्शन. वो कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर. और जो किसी का रिडक्शन नहीं करेगा, आई एम नॉट सेइंग कि वो ऑक्सीडेशन करेगा, अगर वो रिडक्शन नहीं कर रहा है, इन दैट सिचुएशन वी कैन सी दैट इट इज व्हाट? नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ओके, जब बाद में आपको मैं समझा दूंगा एग्जांपल देके, फिलहाल अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए मैंने ओरली आपको बता दिया कि पहला जो बताया था मैंने शुगर नॉन शुगर, अभी दूसरा बताया रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. अब हम वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है. लेट्स सी ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन द हाइड्रोलिसिस. यानी कि हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है. द फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड क्या होता है? व्हाट इज मोनो? मोनो मीन्स सिंगल, वन. सैकेराइड मीन्स यूनिट. एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिंगल यूनिट होता है, जो सिंगल शुगर से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड. ओके, एग्जाम्पल ग्लूकोज. ग्लूकोज एक सिंगल शुगर है, एक सिंगल यूनिट है. किसका? कार्बोहाइड्रेट का. ओके, सैकेराइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सैकेराइड का मतलब होता है एक शुगर या एक यूनिट, जो एक सिंगल यूनिट से बना हुआ है. ओके, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये दोनों एग्जाम्पल उसी के हो गए. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. अ कार्बोहाइड्रेट that cannot be hydrolyzed further to give a simpler unit of polyhydroxyl dihydroketone is called monosaccharide. इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई, जो खुद ही सिंगल है, हम उसको डिजोल्व करके उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं. इफ सपोज कोई ऐसा अगर एग्जाम्पल है तो आपके पास, जो डाइसैकेराइड हुआ, टेट्रासैकेराइड हुआ, ट्राइसैकेराइड हुआ, इसका क्या मतलब है? जिसमें दो शुगर मिलकर एक शुगर बना हो, तीन शुगर मिलकर एक शुगर बना हो, समझ में आया आपको, उसको हम मोनोसैकेराइड में काउंट नहीं करेंगे. जैसे एग्जांपल मैंने प्रीवियस क्लास में दिया था आपको, मैंने एग्जांपल दिया था केन शुगर का, शक्कर को इंग्लिश में केन शुगर बोलते हैं, और इसी को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सुक्रोज बोलते हैं. ओके, एंड सुक्रोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक है ग्लूकोज और एक है
फ्रुक्टोज, इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है, सुक्रोज बना हुआ है। तो अगर हम इसको डिजोल्व करेंगे तो वो डिजोल्व हो जाता है। इसका क्या मतलब है, डिजोल्व होने का मतलब है कि वो हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है, एंड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस इट इज गिविंग टू कंपोनेंट, वन इज फ्रुक्टोज, वन इज ग्लूकोज। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायसेकेराइड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉट, डायसेकेराइड। मगर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मोनोसेकेराइड का। ठीक है, और क्या लिखा आगे, और देखिए अबाउट 20 मोनोसेकेराइड्स आर नोन टू ऑकर इन नेचर। अभी तक हम लोगों को 20 मोनोसेकेराइड मिले हुए हैं, जिसमें एग्जांपल ग्लूकोज का है, फ्रुक्टोज है, राइबोज है, एंड बहुत से होंगे। नाउ लेट्स सी अबाउट व्हाट द ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के बारे में देखिए, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, इट कैन यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। ओलिगोसेकेराइड को समझना है तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमको, जिसके कारण हमको उसका बेसिक नॉलेज मिल जाए। ठीक है, दिस आर दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। ओलिगोसेकेराइड मतलब जिसमें जिसमें कम से कम 10 सेकेराइड होते हैं, 10 यूनिट होते हैं, हम उसको ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम उसके आगे चलते हैं तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए दिस इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या हुआ, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब नंबर ऑफ, पॉली मतलब बहुत सारे। ओके, क्या लिखा है देखिए, द कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन द हाइड्रोलिसिस। यानी कि पानी में घुलने के बाद अगर बहुत सारे अगर यूनिट्स मिल रहे हैं तो हम उसको कहेंगे हाँ भाई ये बहुत सारा ऐसे मिलकर बना हुआ है, सो कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल है स्टार्च, यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ऑल द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स आर नथिंग बट पॉलीसेकेराइड। जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज, गम्स, ये तीनों नाम जो मैंने कहा, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर स्टार्च, सेलुलोज एंड गम्स, ये तीनों प्लांट से मिलते हैं। ओके, और ग्लाइकोजन कहाँ रहता है, ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में डिजर्व फूड मटेरियल होता है। ह्यूमन बॉडी में जो डिजर्व फूड मटेरियल होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। एंड एनिमल की बॉडी में जो डिजर्व फूड मटेरियल होता है हम उसको स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टार्च। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी, यहां पर एक टेबल दिया हुआ है, अब उस टेबल में देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरल टर्म ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। अब देखिए यहाँ पे ओस का क्या मतलब है, ओ एस ई सफिक्स जो सबके अंदर, सबके लास्ट में जो लगा हुआ है, ओस का मतलब हो गया कि वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ट्राय का मतलब क्या हुआ, ट्राय का मतलब 3 कार्बन वाला, टेट्रो का मतलब 4 कार्बन वाला, पेंटोस का मतलब 5 कार्बन वाला, और हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन वाला होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने एक बात, हम लोगों ने इसे पहले पढ़ा था क्या, कि उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। ठीक है, और इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल भी आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड का एग्जांपल है और जो फ्रुक्टोज है वो कीटोन का एग्जांपल है, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, अभी भी हम लोगों ने कहा था, क्या कहा था, सुक्रोज बनता है। क्या बनता है, सुक्रोज। ठीक है, अब ये मत पूछेगा आप लोग कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से मिलकर बना तब उसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी वो आने का टॉपिक है, अभी हमको ये समझ में आना चाहिए कि जनरल टर्म कौन कौन से हैं, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। एल्डिहाइड में हम लोग उसका नाम कैसे लेंगे, ट्रायोस को अल्डो ट्रायोस, टेट्रोस को क्या कहेंगे, अल्डो टेट्रोस, पेंटोस को अल्डो पेंटोस, हेक्सोस को क्या कहेंगे, हेक्सोस को अल्डो हेक्सोस, फिर क्या कहेंगे, 7 कार्बन वाले को अल्डो हेप्टोस। ठीक है, अब देखिए कीटोन में क्या बोलेंगे हम लोग, कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस, कीटो हेप्टोस। आई होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, इन दिस वीडियो इट इज सफिशियंट। अभी आप आज हम लोगों ने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने एक पार्ट क्लियर किया है, मोनोसेकेराइड। ओके, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को भी देखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।